हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैक्स आरएमओ के। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो न्यू लेसन स्टार्ट किए थे, दैट इज़ मैट्राइसेस, उस मैट्राइसेस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे, फॉर्मूलेस थे, सब हमने देख लिया था। नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज 2.1। और 2.1 में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट 8 to 9 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और इंटरचेंज करना है, बस। तो आप अच्छे से कर लो। देखिए, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है वो, ओके, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो फर्स्ट ना, फर्स्ट और सेकेंड, इसमें क्या बोला है कि जो जो कंडीशन दिया बस उसको अप्लाई कर दो और आपका आंसर आ गया। कंडीशन को अप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते। देखिए, फर्स्ट मैट्रिसेस ए दिया है, ए इज इक्वल टू, हाँ देखो, 1 0 -1 3। इसके लिए कंडीशन क्या दिया, आर वन इंटरचेंज आर टू, मीन्स आर वन का वैल्यू आर टू के पास जाएगा, आर टू का वैल्यू आर वन के पास आएगा। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन, तो ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया आर वन इंटरचेंज आर टू, क्या जाएगा यहाँ पे ए इज इक्वल टू, देखिए आर वन इंटरचेंज, तो यह आर टू आर वन बन जाएगा और आर टू आर वन आर टू बन जाएगा। देखिए ये जो आर टू था ये आर वन बन गया, ये आर वन आर टू बन गया, ओके। ये होता है इंटरचेंज। देखिए जैसे मैं कि ये दोनों दिख रहा है ना, ये ऐसे अभी मैं बोलूँगा इन दोनों का इंटरचेंज कर दो, क्या जाएगा इनका प्लेस चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया इंटरचेंज, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, बस यही आपका क्या है, आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, बी इज इक्वल टू 1 -3 3 2 5 4। इसके लिए क्या बोला, आर वन के लिए आर वन माइनस आर टू, तो मतलब जो भी चेंज होगा कहाँ होगा, जो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे ये दोनों हमेशा सेम होंगे, ओके। बाय चांस कभी कभी ये नहीं दिया रहता है, लेकिन ये दिया रहेगा, तो यहीं पे चेंज करना है आपको, यहाँ जो आगे रहता है ना इसी में चेंज होगा। तो आर वन माइनस आर टू बोला है, हाँ, तो आर वन क्या है, 1 है -3 है 5 है, आर टू क्या है, 2 है 5 है 4 है, माइनस करना ना, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सब साइन चेंज हो गया। 2 में से 1 होगा 1, बड़ा इसके लिए माइनस का, देखो दोनों माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 5 3 -8, 4 में 3 क्या -1, तो ये आर वन में क्या जाएगा, -1 -8 -1, आर टू सेम एज इट इज, ये हो गया हमारा काम खत्म। देख लीजिए इतना सिंपल है, बस क्या करना है, देख लीजिए ध्यान से, क्या बोला है, आर वन माइनस आर टू, तो 1 में से 2 जाएगा नहीं 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, ग्रेटर 2, इसके लिए माइनस का, ये भी माइनस, ये भी माइनस है, -3 -5 कितना था, -8 हो जाएगा, 4 में से -4 जाएगा, तो -4 में 3 गया तो कितना जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 में से -4 माइनस करना है ना, तो 3 -4, तो -4 में से 3 को -1 आएगा, ग्रेटर इसके लिए प्लस का साइन, तो ये हो गया है आपका आंसर। देखिए कितना सिंपल है। अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड पे क्या बोला है कि ये ऑपरेशंस को फॉलो करना है, फिर दोनों को चेक करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोला है, C1 इंटरचेंज C2, देखिए ये होता है आपका कॉलम, हाँ कॉलम 1 कॉलम 2, तो A इज इक्वल टू, आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ, यानी कि 4 3, ये 5 1, ये हो गया इसका इंटरचेंज, ओके। ये जो C2 था ये C1 बन गया, C1 C2 बन गया। अब आते B के लिए, B के लिए क्या बोला है, R1 इंटरचेंज R2, ओके। तो B क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, R1 रो, हाँ ये ऊपर चले गए नीचे चले जाएगा, तो 4 5 ऊपर हो गया, 3 1 नीचे आ गया। अब जो दोनों न्यू मैट्रिक्स आए हैं, हाँ ये वाला एंड ये वाला, अब चेक करो दोनों सेम है क्या, देखिए 4 5 3 1 4 5 3 1 सेम है, तो लिखेंगे द न्यू टू मैट्रिक्स आर क्या है, इक्वल। यही पूछा ना, मतलब देखो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब ये जो ऑपरेशन दिए उसको फॉलो करते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, तो हमने ऑब्जर्व किया कि बोथ मैट्रिक्स ए एंड बी आर क्या है, सेम है, इक्वल है, ओके। आप चाहते हैं यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, ये हमारा काम हो गया, ये क्या है इसका आंसर है। हमने दोनों मैट्रिक्स न्यू निकाल लिया,
न्यू निकालने के बाद चेक किया कि दोनों क्या है, सेम है या नहीं है, तो सेम है तो हमने लिख दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या बोला, फाइंड द एडिशन ऑफ टू न्यू मैट्रिक्स। ओके, ये दिया है, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिया, इसको करने के बाद जो दो न्यू मैट्रिक्स आएंगे उनका एडिशन फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहला क्या है, 2 टाइम्स C2, थोड़ा सीधा रहेगा, 2 टाइम्स क्या है C2, तो ये हमारा A ही रहेगा, A में हम क्या करेंगे 2 टाइम्स C2, C2 कौन सा हमारा, ये वाला पार्ट है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 1 0 सेम रहेगा, -1 3 भी सेम रहेगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 टाइम्स हमने क्या क्या है C2 में मल्टीप्लाई कर दिया, पहला काम हो गया। अब बी के लिए क्या बोला, देखिए बी के लिए बोला है -3 टाइम्स R1। ओके, -3 टाइम्स R1, तो R1 हमारा कौन सा है, ये वाला है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी माइनस है, तो -3 × 1 -3, ये 0, -3 × 2 -3 × 2 = 6 हो जाएगा, 2 4 6, ये एज इट इज रहेंगे। ये हो गया, हमने क्या किया, जो भी ऑपरेशन दिया था हमने उसको फॉलो करके हम दो नए मैट्रिक्स निकाले, अब इन दोनों का एडिशन निकालना है। ओके, तो लिखेंगे A+B = 1 4 -1 0 2 3 + -3 0 -6 2 4 6। ये हो गया, हमने क्या किया है, A और B को प्लस करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था प्लस का था, फर्स्ट वाले के साथ प्लस होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3, फिर यहाँ पे 4 सेकंड वाला, सेकंड था 4 + 0 ये -1 + -6, यहाँ पे 0 प्लस का 2 2 + 4 3 + 6, ये हो गया है। अब इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे A+B = क्या था, देखिए 3 में से 1 गया, माइनस का 2, यहाँ पे 4 बीच में सेम रहेगा, और ये -6 - 1 - 7, फिर ये 2 4 2 6 3 9, ये है आपका आंसर। ओके, हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, देखिए फाइंड एडिशन ऑफ टू न्यू मैट्रिक्स। ओके, सबसे पहले जो ये मैट्रिक्स जैसे, इसके लिए कंडीशन फॉलो किया तो न्यू मैट्रिक्स ये हो गया, इसके लिए कंडीशन फॉलो किया तो ये मैट्रिक्स हो गया। अब ये जो दो न्यू मैट्रिक्स आया ना, इसका एडिशन निकालना है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया। तो देखिए ये ए और ये प्लस बी, इन दोनों को प्लस करने पे आता है, इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये आता है। इस तरीके से करना है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ओके, बोथ क्वेश्चन क्या है, इंटर रिलेटेड है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो समझ में आया कि दोनों क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या पूछा है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। देख लीजिए क्वेश्चन भी सेम है दोनों का, बस कंडीशन चेंज कर दिया है। देखिए पहले में A = मैट्रिक्स दिया है, कंडीशन क्या बोला है, 3 R3, ये हो गया। देन इसके बाद करना है C3 + 2 times C2। ओके, पहले ये R3 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी वैल्यू आएगा वहां पे C3 2 times C2 प्लस करना है। सिमिलरली 6 में ये देखिए, 6 में क्या है, सेम मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या क्या, पहले बोला है C3 + 2 times C2 करना है, देन R3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर क्वेश्चन पूछा है कि भाई क्वेश्चन 5 और 6 में तुमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या दिखा तुमको, कुछ सिमिलैरिटीज है कि नहीं वो बताओ। तो चलो हमने सॉल्व कर दे, फिर दिख जाएगा सिमिलैरिटी है या नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, 3 times R3, तो A = R3 में 3 से मल्टीप्लाई करना, तो R1 सेम रहेगा 1 - 1 3, R2 भी सेम रहेगा, अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 1 जा, ये हो गया। इसके बाद क्या बोला, ये वाला कंडीशन C3 + 2 times C2। ओके, तो किसमें चेंज होगा पता है ना आपको, C3 मैंने आपको बताया है, अगर जो ऐसा एरो करके नहीं दिया है तो जो पहले रहेगा ना उसी में चेंज होगा। यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, क्वेश्चन में ऐसा बता के नहीं दिया कि किसमें वैल्यू चेंज होगा, C3 में या C2 में, तो आपको हमेशा याद रखना कि जो भी वैल्यू पहले लिखा रहेगा ना वहीं पे चेंज होगा, यानी कि C1 C2 सेम एज इट इज रहेंगे, C3 में क्या होगा, चेंजेस होगा जो भी वैल्यू आएगा। तो देखिए C3 में क्या होने वाला है, पहले C3 लिखता हूँ मैं, C3 क्या है, 3 0 3 3 0 3, ये C3 लिख दिया। अब क्या बोला, 2 times C2 फिर प्लस करना, देखो 2 times इसमें 2 1 जा 2
टू वन जा टू, नाइन टू जा एटीन, फिर दोनों के बीच में क्या है, एडिशन है। कितना ध्यान देखें, हाँ थ्री में से टू गया वन, ये टू और एटीन में थ्री कितना था, ट्वेंटी वन, ये आ गया है आपका सी थ्री। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वन टू नाइन माइनस वन वन नाइन, पहले में आ गया है वन, दूसरे में आ गया टू, तीसरे में आ गया ट्वेंटी वन, हाँ ये आ गया है आपका। इसको मैं देता हूँ ए इज इक्वल टू है ना, ए इज इक्वल टू, इसको देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर वन। ओके देखो मैंने ऑपरेशन आपको बाहर करके दिखाया, जो भी कंडीशंस दिया था मैं आपको बाहर करके दिखाया ये कैसे वैल्यू आते हैं। अगर आपको नहीं समझता है डायरेक्ट तो आप ऐसा बाहर करके कर सकते हो। पहला काम हो गया है, अब आते सेकंड पे। सेकंड पहला क्या बोला, पहले बोला सी थ्री प्लस टू टाइम्स सी वन करना है, सॉरी सी टू करना है। तो पहले मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ सी थ्री प्लस टू टाइम्स सी टू, तो ए इज इक्वल टू वन माइनस वन टू वन थ्री थ्री, क्योंकि हमारा जो भी चेंजेस होगा किसमें होगा, सी थ्री में। देखिए सी थ्री में क्या कर रहे हैं हम लोग, सी थ्री थ्री जीरो वन, ये सी थ्री लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर टू टाइम्स सी टू, सी टू दिख रहा है तो टू वन जा टू, ये माइनस टू हो जाएगा, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स। ओके ध्यान से देखिए, जो कंडीशन बोला, देखिए सी थ्री, सी थ्री पहले लिख दिया, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर क्या बोला सी टू में टू से मल्टीप्लाई करना, तो इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू, ये टू, टू थ्री जा सिक्स। अब इसको सॉल्व करते देखिए, थ्री में से टू गया वन, ये हो जाएगा टू, सिक्स और वन सेवन, कितना रहा हमारा वन टू सेवन, कितना रहा वन टू सेवन। इस तरीके से करना भैया, अब क्या करना है, इसके बाद करना है थ्री टाइम्स सी थ्री, थ्री टाइम्स आर थ्री है, सी थ्री नहीं आर थ्री है, तो ए का वैल्यू क्या जाएगा, ध्यान से देख सकते हैं वन माइनस वन वन टू वन टू, थ्री से मल्टीप्लाई करो, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन। अब चेक करो भैया सब सेम आ रहा है दोनों, इक्वेशन नंबर टू फ्रॉम इक्वेशन टू, या तो फ्रॉम क्वेश्चन, ऐसा लिखा इक्वेशन मत दो क्योंकि हमको क्वेश्चन बोल के दिया ना वहां पे, तो हम लोग लेंगे फ्रॉम क्वेश्चन फाइव एंड क्वेश्चन सिक्स, आर क्या है आइडेंटिकल है। ओके दोनों क्या देखो ना, क्वेश्चन फाइव एंड क्वेश्चन सिक्स आर क्या है आइडेंटिकल। ओके दे ही देते हैं ना इक्वेशन, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम, पहले लिखना पड़ेगा ये फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। इक्वेशन वन एंड टू को देखने पर चलता है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि अगर आप कोई भी पहले रो को सॉल्व करो या तो पहले कॉलम को सॉल्व करो, यानी कि जब आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हो फॉलो करते हो, तो आपका आंसर क्या आता है, सेम आता है। ओके देखिए ना दोनों में सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे पहले हमने रो में मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में इनका एडिशन किया, सेकंड वाले में पहले एडिशन किया बाद में मल्टीप्लाई किया, यानी आप रो वाला जो ऑपरेशन है पहले फॉलो करते हो या तो कंडीशन, और फिर कॉलम वाला बाद में, फिर कॉलम को पहले रो को बाद में, मतलब तो अल्टरनेट चेंज करके करते हो तो भी आपका आंसर क्या आता है, सेम आता है। ओके तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है फाइव और सिक्स क्या हो गया, सॉल्व हो गया है, आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन एट और नाइन। देखिए क्वेश्चन सेवन में क्या बोला है, यू ट्रायंगल लिखा, मैंने कि इसमें बोला है कि इस जो मैट्रिक्स गिवन है इसको क्या करना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, इसको क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर एट को क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है विद द रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके और क्वेश्चन नंबर नाइन में भी सेम है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, तो मैंने बताया है क्या करना है, डायगोनल के नीचे होना चाहिए जीरो, यानी ये जीरो होना चाहिए, बाकी सेम। तो देखो यहाँ पे वन है, ये वन की हेल्प से जीरो हो जाएगा। जब भी आपको जीरो करना है तो सबसे पहले क्या करना, ऊपर वाले को वन करो, उसके हेल्प से जीरो करो। तो कंडीशन दे दो इसमें से ना, आर टू के लिए आर टू माइनस, देखो आर टू में से कितने टाइम माइनस करूँगा, थ्री टाइम्स आर वन, तब जाके हमारा वैल्यू क्या आएगा देखते हैं, यहाँ पे लिखता मैं। ओके तो पहले मैं करता हूँ आर टू, आर टू हमारा क्या है थ्री फोर है, फिर थ्री टाइम्स आर वन, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, माइनस करो ये प्लस माइनस जीरो, सिक्स में से फोर गया टू, ग्रेटर के लिए माइनस, तो हमारा आर टू में क्या आ रहा है जीरो माइनस टू, आर वन क्या है वन टू, आ गया ना।
देयरफॉर दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस तरीके से लास्ट में लिखना है, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि डायगोनल के नीचे वाला वैल्यू क्या है? जीरो है। जब भी डायगोनल के नीचे वाला वैल्यू जीरो रहता है तो अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल के ऊपर वाला वैल्यू जीरो रहता है तो लोअर ट्रायंगुलर। ये हो गया। अब आते हैं हमारा काम क्या है दूसरा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है इसको विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे सेम यहाँ पे वो है ना, इसके हेल्प से इसको जीरो करूंगा मैं। सेम इसके इसे करना है आर टू के लिए, आर टू माइनस टू है ना, तो टू टाइम्स माइनस करूंगा टू टाइम्स आर वन। चलो भैया लिख लेते हैं वापस से हमको, इसको सपोज कर लेता हूँ ए। तो पहले हमको क्या करना, आर टू टू थ्री, टू टाइम्स आर वन, टू माइनस टू माइनस माइनस का प्लस, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा फाइव, वन माइनस वन जीरो, यहाँ पे हो गया फाइव। ओके, और मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी यहाँ पे वन लाना तो क्या करना, सेम चीज़ से डिवाइड कर देना है। इसको मैं क्या करूँगा, आर टू के लिए आर टू इंटू वन बाय फाइव। ओके, तो ये हो जाएगा वन जीरो माइनस वन, यहाँ पे हो जाएगा वन, क्योंकि देखिए जीरो में वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई करूँगा जीरो हो जाएगा, और ये फाइव इंटू वन बाय फाइव, फाइव फाइव कैंसिल, क्या बचेगा आपका वन बचेगा। अब देखिए यहाँ पे वन आएगा, इसके हेल्प से इसको जीरो करना है, तो आर वन के लिए आर वन प्लस आर टू, इन दोनों को प्लस करो ना, देखो ये माइनस है प्लस है, प्लस माइनस माइनस जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू वन जीरो जीरो वन आ गया ना। दिस इज यहाँ पे लिख दो चाहिए तो, दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, इस तरीके से करना है हमको। रो के हेल्प से क्या करना है, डायगोनल में वन लाना, बाकी सब जीरो लाना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे जीरो लाना है, यहाँ पे वन है, तो टू में से टू को माइनस करूँगा, लेकिन यहाँ पे वन है तो टू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई, यानी कि आर टू में से टू टाइम्स आर वन को माइनस करूँगा, तो यहाँ पे जीरो हो गया हमारा। अब ये फाइव आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब भी आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से डिवाइड कर दो, सबसे ईजी मेथड। तो यहाँ पे फाइव था, फाइव से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मुझे यहाँ पे वन मिल गया। अब देखिए ये माइनस वन है प्लस वन है, मुझे आर वन में चाहिए, तो मैं इन दोनों क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो देखिए जीरो प्लस वन वन होता है, वन प्लस माइनस वन जीरो होता है, और ये आर टू एज इट इज सेम रहेगा। तो हमारा आ गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरीके से करना है, जब भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना है तो इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे वन करना है, इसके हेल्प से इसको जीरो करना है, फिर यहाँ पे वन करना है, इसके हेल्प से इसको जीरो करना है। ओके, अब आते हैं अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है आपको देख लीजिए, ये और ये तीनों क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ओके, देखिए इन दोनों को जीरो करने के लिए यहाँ पे पहले वन होना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी वन है, इसको जीरो करने के लिए यहाँ पे आपको वन करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग ये काम कर लेते हैं। ओके, आर टू के लिए आर टू माइनस टू टाइम्स आर वन। ओके, देखिए यहाँ पे लिखता मैं आर टू क्या हमारा टू वन थ्री, अब टू टाइम्स आर वन, टू से मल्टीप्लाई करो टू माइनस टू, टू टू जा फोर, माइनस करो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा माइनस, जीरो थ्री फोर में थ्री का तो माइनस का वन, तो आ रहा है पहला तो सेम रहेगा जीरो थ्री माइनस वन। अब लास्ट वाला भी सेम ही रहेगा टू फोर थ्री टू फोर, ये हो गया, इसको सही से बना देता हूँ। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे जीरो करना, सेम काम करना है आर थ्री के लिए, आर थ्री माइनस देखो थ्री है ना, थ्री टाइम्स माइनस करना पड़ेगा, थ्री टाइम्स आर वन, तो आर थ्री क्या हमारा थ्री टू फोर है, थ्री टाइम्स ना, थ्री माइनस थ्री, थ्री टू जा सिक्स, माइनस प्लस माइनस जीरो तीन फाइव, सिक्स में से फोर गया माइनस का टू, तो कितना आ रहा हमारा, आर थ्री में चेंज कर रहे तो देख लीजिए कितना आ रहा हमारा, वन माइनस वन टू, जीरो थ्री माइनस वन, जीरो फाइव माइनस टू। अब ध्यान से देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे जीरो लाना है। अब यहाँ पे जीरो लाना है तो करना क्या है, देखिए सिर्फ मुझे यहाँ पे जीरो लाना है, यहाँ यहाँ पे नहीं लाना है, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, कितने टाइम देखते हैं,
आर थ्री माइनस आर टू। फाइव में से मैं क्या माइनस करूंगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा हमको, थ्री अपॉन में फाइव। इसमें मैं क्या करता हूँ, देखिए हमारे पास क्या है, ये थ्री है ना, यहाँ पे फाइव है, ध्यान से क्या, फाइव में से क्या मैं यहाँ पे माइनस करूँ कि मुझे क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। चलो देख लेते हैं, क्योंकि हमको इन सब किसी से मतलब नहीं, हमसे हमको क्या कि यहाँ पे जीरो चाहिए, यहाँ पर जीरो करने के लिए इसमें से यहाँ पे माइनस करना चाहिए, तो यहाँ पे फाइव है तो यहाँ पे भी फाइव होना चाहिए, यहाँ पे फाइव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, थ्री है ना ऊपर, तो यहाँ पे फाइव अपॉन थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो ना इसमें यहाँ पे हमारा क्या है, थ्री है ना, पहले से हमारा क्या था, थ्री था, तो थ्री में मैंने फाइव अपॉन थ्री से मल्टीप्लाई किया, तो थ्री थ्री कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, फाइव बच गया। देख लीजिए ना ध्यान से ना, ये हमको दिमाग लगाना है कि क्या करना है कैसे करना है। अगर मुझे इसको आइडेंटिटी कन्वर्ट करना रहता ना, तो पहले मैं क्या करता ना, इसको अलग तरीके से मैं वन करता, इस तरीके से नहीं करता, बट सिर्फ हमको यहाँ पे जीरो लाना, एक ही काम करना, बाकी आंसर कुछ भी हमको फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं डायरेक्ट वाला, अपने मन से माइंड में लाके कि क्या करूँ तो आएगा। तो मुझे यहाँ पे फाइव चाहिए ना, तो मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँ, इस थ्री में, थ्री से मैं मल्टीप्लाई करूँ फाइव बाई थ्री से, थ्री थ्री कैंसिल बचे क्या, फाइव। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि क्या किससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फाइव बाय थ्री से, किसमें, आर टू में, और चेंजेस किसमें हो रहा है हमारा, आर थ्री में, हाँ आर थ्री में चेंजेस हो रहा है, तो बाकी सब सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ यहीं पे लिखता हूँ मैं, ए इज इक्वल टू वन माइनस वन टू जीरो थ्री माइनस वन, और आर थ्री में चेंज होगा ना, इसके लिए मैंने आर थ्री को चेंज करना। देखो अब क्या करना है, आर थ्री पहले ले लेता हूँ मैं, आर थ्री क्या, जीरो है, फाइव है, माइनस टू है, ओके। अब क्या कर रहा हूँ, माइनस करना है, तो माइनस बाद में ले लेंगे, फाइव बाई थ्री टाइम्स आर टू, इसमें फाइव बाई थ्री से मल्टीप्लाई, तो जीरो लेने वाला है, इसमें थ्री इंटू फाइव बाय थ्री, फिर माइनस वन इंटू फाइव बाय थ्री, ओके। देखो इसमें भी फाइव बाई थ्री से मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी फाइव बाई थ्री से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया। देखो थ्री थ्री कैंसल, यहाँ पे कैंसल नहीं होगा, हाँ तो ऊपर तो जीरो, फाइव माइनस टू सेम रहेगा, यहाँ पे जीरो, ये कैंसिल होते, यहाँ पे फाइव हो गया, यहाँ पे क्या होगा, माइनस फाइव बाय थ्री। अब साइन चेंज करो, माइनस 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 का प्लस, तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये क्या है, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा फाइव बाय थ्री प्लस है, माइनस का टू है, ओके, माइनस का टू है अपॉन में वन, तो ये हो जाएगा फाइव वन जा फाइव माइनस सिक्स अपॉन में थ्री, सिक्स में से फाइव गया तो माइनस का वन अपॉन में थ्री, ये आ रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए दोनों तो जीरो जीरो आ रहा है, यहाँ पे माइनस वन बाय थ्री आ रहा है, ये है आपका फाइनल आंसर। आप चाहो तो आपके टेस्ट बुक में देख सकते हो कि आपका आंसर राइट आया कि नहीं, राइट है एकदम करेक्ट है। ये वाला देखिए, ये वाला मैं रेफर था, देखिए ये वाला काम ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मेन ये काम है, हमको यहाँ पे क्या लाना, जीरो लाना है, और जीरो लाने के लिए एक नॉर्मल मेथड से जाएंगे, तो पहले इसको वन करना, वन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें टू से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करो तो ये वन हो जाएगा, या तो इसमें कुछ ऐड मल्टीप्लाई करके, इसमें टू से मल्टीप्लाई करके इसको सबट्रैक्ट करो तो हो जाएगा। लेकिन हमको उतना दूर जाना है क्या, नहीं, सिर्फ हमको सिर्फ इसको जीरो करना है, तो डायरेक्ट जीरो करना, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते भाई, कि इसमें से इसको फाइव बाय थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो फाइव बाय थ्री, थ्री थ्री कैंसिल से बचे फाइव, यहाँ पे माइनस फाइव बाय थ्री बच गया है। अब मैंने क्या किया, देखो माइनस है तो माइनस प्लस जीरो, ये हो गया, तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, माइनस वन बाय थ्री, ये आ गया आपका, ये क्या है आपका, दैट इज अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। यही आपको पूछा था कि फाइंड द अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स, तो ये आ गया है आपका फाइनल आंसर। देख लीजिए ये जो ट्रायंगल है क्या है हमारा, जीरो हो गया ना, डायगोनल के नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया, इसी को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन एट और नाइन सॉल्व हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर नाइन के साथ आपका एक्सरसाइज जो 2.1 हो क्या हो गया, फिनिश हो गया, ओके। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे हम लोग ट्राई करेंगे जो एक्सरसाइज 2.2 है, वहाँ पे हमको एडजॉइंट मेथड और रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इन तीनों मेथड से हमको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स, इनवर्स फाइंड करना, ओके। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए हमारा वीडियो, और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ओके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।